हेलो फ्रेंड्स, आज बनाते हैं पनीर की ऐसी ज़बरदस्त सब्ज़ी जिसे आप पूरी, पराठा, नान या फिर चावल किसी के भी साथ मज़े से खाइए। तो चलिए अब बिना देर किए इसे फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चढ़ाएंगे एक पैन और उसमें डालेंगे तेल। अब तेल के गर्म हो जाने के बाद हम इसमें पनीर के पीसेस को हल्का फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए, सारे पनीर के पीसेस डाल दिए हैं और अब हम इन्हें हल्का सा एक गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेते हैं। और ये देखिए, ये बढ़िया इनमें कलर आ चुका है और अब ये फ्राई हो चुके हैं, तो इन्हें निकाल लेते हैं बाहर। और सेम पैन में हम थोड़ा सा तेल डालेंगे और उसमें एक छोटी इलायची, एक दालचीनी का टुकड़ा और थोड़ा सा ज़ीरा डाल करके इन्हें हम फ्राई कर लेंगे। और अब डालते हैं इसमें कटी हुई प्याज और प्याज को भी हम गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। और ये सब्ज़ी खाने में जितनी मज़ेदार होती है, बनाने में ये उतनी ही आसान है। इसमें हम लहसुन, अदरक किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं करेंगे। और अब देखिए, इसमें डालते हैं थोड़ी सी कसूरी मेथी, इससे इसमें खुशबू भी बढ़िया आएगी और टेस्ट भी इसका काफ़ी बढ़ जाएगा। तो अब प्याज फ्राई हो चुकी है, अब इसे साइड में कर लेते हैं और कुछ सूखे मसाले डालेंगे। इसमें लिए मैंने ये हल्दी, नमक, लाल मिर्च, धनिया पाउडर और गरम मसाला। आपके पास गरम मसाला ना हो तो आप चिकन मसाला डाल लीजिए, सब्ज़ी मसाला डाल लीजिए या फिर पनीर मसाला, कुछ भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब इन सूखे मसालों को हम प्याज के साथ इस तरीके से फ्राई कर लेंगे। अब इन्हें फ्राई करते हुए एक मिनट हो चुका है, तो अब इसमें डालते हैं ये टमाटर प्योरी। अगर आपके पास टमाटर प्योरी ना हो तो दो टमाटरों को आप मिक्सी में ग्राइंड करके इस तरीके से डाल लीजिए। और अब इसे लगातार हम चलाते हुए तेल छोड़ने तक पकाएंगे। तो ये देखिए, ये सारे मसाले और टमाटर प्योरी अच्छी तरीके से पक चुकी है। और अब डालते हैं इसमें हम आधी कटोरी के लगभग दूध। तो ये देखिए, मैंने इसमें ये थोड़ा सा दूध डाल दिया और अब हम इस सब मसालों को दूध के साथ पका लेंगे। तो दूध को इसमें हमें 1.5 से 2 मिनट मीडियम फ्लेम पर पकाना है मसालों के साथ। दूध डालने से सब्ज़ी का स्वाद तो बहुत बढ़ ही जाता है, साथ में जो इसका टेक्सचर है वो भी बहुत ही बढ़िया आता है, एक क्रीमी सा टेक्सचर आ जाता है दूध डालने से इसमें। तो ये देखिए, ये सारे मसाले अच्छी तरीके से पक चुके हैं और अब डालते हैं हम इसमें ये फ्राई किया हुआ पनीर। तो बस मसाले और पनीर पहले से पके हुए हैं, तो बस एक बार इसे मिक्स कर लीजिए और अब आप इसमें ज़रूरत के अनुसार पानी मिला लीजिए। और पानी डालने के बाद हम इसे ढक करके बस 2 से 2.5 मिनट मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे और ये बढ़िया सी सब्ज़ी हमारी बन करके हो जाएगी तैयार। तो देखा ना आपने कितनी फटाफट से ये सब्ज़ी बन करके तैयार हुई है, और खाने में तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होती है। तो ये देखिए, अब इसका टेक्सचर कितना बढ़िया आ चुका है और ये कितनी बढ़िया लग रही है। तो इस सब्ज़ी को आप रोटी, नान, पूरी, पराठे या चावल किसी के भी साथ मज़े से खाइए। और रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिए। थैंक यू।